ये हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विसेज करंट अफेयर का पार्ट 14 है, और आज हम देखते हैं कि कौन कौन सी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर या जीके हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है, और इकोनॉमिक सर्विसेज कहाँ कहाँ से इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो हम छोटे छोटे देख रहे हैं, ज्यादा हम डिटेल में इकोनॉमिक सर्वे के ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, जिससे वहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब सबसे पहले हम एग्रीकल्चर से स्टार्ट करते हैं। देखिए, एग्रीकल्चर और अलाइड सर्विसेज, अलाइड सॉरी अलाइड एक्टिविटी, ये एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। किस किस फील्ड में रोल प्ले करती है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश में रोजगार देने की बात हो या फिर हिमाचल प्रदेश का जो जीवी है हो उसमें कंट्रीब्यूट करने की बात हो। अगर हम बात करें प्राइमरी सेक्टर, देखिए मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था ये प्राइमरी सेक्टर है, और ये दूसरा हो जाता है हमारे पास सेकेंडरी सेक्टर, और फिर ये हो जाता है हमारे पास टर्शरी सेक्टर, दैट इज द सर्विस सेक्टर। तो हिमाचल प्रदेश की ये देखिए, ये चार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इस टेबल के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन कैसे भी फ्रेम हो सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे हम, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर प्राइमरी सेक्टर सबसे ज्यादा वर्कफोर्स में जो है, और जो हिमाचल प्रदेश का वर्कफोर्स है उसमें सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करता है, मतलब सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है, मतलब वहाँ जितना भी जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें से सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है प्राइमरी सेक्टर में जनरेट होता है। उसमें से भी एग्रीकल्चर एंड अलाइड अलाइड सर अलाइड एक्टिविटी के अंदर, तो कितना है अलाइड, कितना कंट्रीब्यूट करता है हिमाचल प्रदेश का के एम्प्लॉयमेंट में, 58.37%। और टोटल को मिला दिया जाए, इसमें माइनिंग को भी अगर ऐड कर दिया जाए, तो 58.71%, मतलब आप बोल सकते हो अप्रोक्सीमेट 60% और जो है प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है। तो ये अगर आपको उसमें मेन में लिखना हो तो ये जरूर दो पॉइंट जरूर लिखना है। तो एग्रीकल्चर जो है वो एक लाइवलीहुड का तो सोर्स है ही, लेकिन फूड सिक्योरिटी भी हमारी इंश्योर करता है। और ये क्या करता है, ये देखिए लाइवलीहुड का तो है ही, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का जितना भी वर्क फोर्स है उसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है आंकड़ा, 58.7% तो प्राइमरी सेक्टर से ही आता है, मतलब अप्रोक्सीमेट एग्रीकल्चर सेक्टर ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और एग्रीकल्चर सेक्टर और अलाइड इंडस्ट्री, जो अलाइड एक्टिविटी है, वो हिमाचल प्रदेश का जो जीवीए में 13.7% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। अगर आप यहाँ पर देखो तो देख रहे हो आप, ये हिमाचल प्रदेश का जीवीए है, ठीक है, ये यहाँ पर जीवीए है, तो इसमें प्राइमरी सेक्टर 13 पॉइंट, ठीक है, 13.94% कंट्रीब्यूट कर रहा है। और ये आप अगर आप इसको देख रहे हो तो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटी, 13.56%, ये मतलब इतना परसेंट जो है, अप्रोक्सीमेट 14% के अबाउट ही लगा लो, इतना परसेंट जो है एग्रीकल्चर। देखो ये इसमें से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, चाहे आप इसको इग्नोर कर दो, इंडिया वाले को इग्नोर कर दो, आप इसको इग्नोर कर दो, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए थोड़ा कि, और ये पता होना चाहिए आपसे किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये बताइए हिमाचल प्रदेश का जो जीबीए है उसके अंदर कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, तो टर्शियरी सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, एंड देन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सॉरी, तो पहले नंबर पर हमारे पास ये और टर्शरी सेक्टर, इसको सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, और दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर भी बोला जाता है इसको, एंड देन प्राइमरी। तो इनकम के मामले में सबसे ज्यादा तो यही कंट्रीब्यूट करता है, सर्विस सेक्टर एंड देन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड देन एग्रीकल्चर सेक्टर। और अगर रोजगार के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है वो, और सबसे ज्यादा जो हिमाचल प्रदेश का जो वर्कफोर्स है वो प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा इंगेज है, प्राइमरी सेक्टर में भी एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए इनके बारे में, कैसे भी पूछा जा सकता है आपसे। अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ फैक्चुअल चीजों के बारे में। देखिए ये जो फैक्चुअल चीज है, पिछले साल भी यहाँ वो पिछले साल नहीं, इसी साल आयोग ने क्वेश्चन पूछे थे, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहाँ पर हाईएस्ट रेनफॉल होती है, सबसे ज्यादा रेनफॉल कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद में चंबा, सिरमौर एंड मंडी। ये आपको थोड़े सीक्वेंस से पता होने चाहिए, सीक्वेंस से ना भी पता हो तो कांगड़ा के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जीके टाइप का क्वेश्चन है, ये सारी चीजें इकोनॉमिक सर्वे में दी हुई थी। ये वहां से धर्मशाला में सबसे ज्यादा, देखिए कांगड़ा के अंदर धर्मशाला है, तो कांगड़ा कांगड़ा पहले देखना कि कहाँ पर पूछ रहा है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो नहीं पूछ रहा है, या धर्मशाला के अंदर पूछ रहा है कि हाईएस्ट रेन कहाँ पर होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि हाईएस्ट रेन कहाँ पर पूछ रहा है।
डिस्ट्रिक्ट के अंदर पूछ रहा है या फिर कोई यहाँ पर शहर वगैरह दे दिया उसने, तो धर्मशाला के अंदर सबसे ज्यादा होती है और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा होती है। सबसे कम रेन रेन कहाँ पर होती है? लाहौल एंड स्पीति रीजन सबसे वही है कि वहां पर सबसे कम रेन होती है। इसमें भी अगर पूछा जाए तो स्पीति और ड्राइएस्ट एरिया है हिमाचल प्रदेश का, केवल वहां पर 50 mm बारिश होती है। अब बात करते हैं कोल्डेस्ट प्लेस के बारे में, तो इस पर तो क्वेश्चन पूछा गया, इन पर सब पर क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, ठीक है, किसी न किसी एग्जाम में इन पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कोल्डेस्ट प्लेस की बात करें हिमाचल प्रदेश का, जो कीलोंग है, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट का जो कीलोंग है, तो वहां पर सबसे ठंडा स्थान यही है। और उन्नाव डिस्ट्रिक्ट इज द हॉटेस्ट प्लेस ऑफ द हिमाचल प्रदेश, समझ रहे हो, और इसको एक बोला जाता है गेटवे टू द हिमालयाज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ रहे हो। ये देखो यहाँ से जो क्वेश्चन है, बहुत सारे एमसीक्यू फ्रेम होते हैं इस वाली स्लाइड से, तो आप इस वाली स्लाइड को एज फैक्चुअल चीज या रट्टा मारना सोच सकते हो, वो आपको उसको रटना पड़ेगा, ज्यादा तो नहीं है कि भाई बहुत ज्यादा रटने वाला है। अब लैंड यूज पैटर्न के बारे में बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। देखिए अगर हम बात करें एरिया के मामले में, तो एरिया के मामले में हिमाचल प्रदेश 17वें नंबर का सबसे बड़ा स्टेट है, और इंडिया में बात करें तो 126वें नंबर का सबसे बड़ा स्टेट है। तो ये तो बहुत कम चांसेस है ये पूछा जा सकता है ये वाला, कि भाई हिमाचल प्रदेश, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का एग्जाम दे रहे हो तो आपको पता होना चाहिए एरिया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए एरिया हिमाचल प्रदेश का आपको पता होना चाहिए 55,673 स्क्वायर किलोमीटर, ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है एरिया, इसको तो रट्टा मारना पड़ेगा, इसको तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। अब मैं यहाँ पर जरा ये जो जितना भी एरिया है आप देख लो, ये जो एरिया है, ये जो मैंने अभी एरिया दिखाया, इस एरिया का कितने परसेंट किस एरिया किसने ऑक्यूपाई किया हुआ है ये देखते हैं जरा। देखिए अगर हम बात करें परमानेंट पॉश्चर एंड अदर ग्रेजिंग लैंड, तो जितना भी हिमाचल प्रदेश का एरिया है उसका 32.8% तो परमानेंट पॉश्चर में ही चला जाता है। फॉरेस्ट की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का जितना भी एरिया है 24.5% उसका, अगर पूरे एरिया का हिमाचल प्रदेश का 24.5% करते हैं तो वो केवल उसमें चला जाएगा, फॉरेस्ट में चला जाएगा। और बैरन लैंड जो ऐसी खाली जमीन है, ठीक है, वो कितना हिमाचल प्रदेश के 16.73%। तो आपको इसको ऐसे क्रम में याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो है एरिया किसके अंदर आता है, आपका परमानेंट पॉश्चर जो ग्रेजिंग लैंड होते हैं उनके अंदर, देन फॉरेस्ट एंड द बैरन लैंड। तो कुछ चीजों के बारे में आपको पता भी नहीं, जैसे नेट सोन एरिया हो गया, नेट सोन एरिया कितना है, ठीक है, ये इसके बारे में, फॉरेस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। वैसे फॉरेस्ट के लिए मैंने एक अलग सा ही लेक्चर किया है क्योंकि उस पर से क्वेश्चन काफी बार पूछे गए। अब हिमाचल प्रदेश के बारे में ये देख लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो किसान है उनके पास ऐसे कितने किसान हैं, और मार्जिनल ये सिस्टम क्या है। देखिए हिमाचल प्रदेश के अंदर जो मार्जिनल फार्मर्स है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, ऐसे मार्जिनल फार्मर उनको बोला जाता है जिनके पास जो 1 हेक्टेयर से कम जमीन, 1 हेक्टेयर से कम जमीन है, तो ऐसे किसान बहुत ज्यादा है। ऐसे किसान कितने हैं, 7.12 लाख, और ऐसे किसान इनको मार्जिनल इसको स्मॉल बोला जाता है जिनके पास 102 हेक्टेयर जमीन है, ठीक है, ऐसे किसानों को जो स्मॉल फार्मर्स बोला जाता है वो कितने हैं, 1 लाख 70 1 लाख, मतलब हम आप ये बोल सकते हो कि मार्जिनल फार्मर्स ज्यादा है हिमाचल प्रदेश के अंदर जिनके पास जो लैंड होल्डिंग कैपेसिटी है वो 1 हेक्टेयर से कम है। दूसरा मीडियम, देखिए मीडियम वाले तो और भी कम है, ठीक है, फिर उसके बाद सेमी मीडियम, सेमी मीडियम से आ गया मीडियम और लार्जर, लार्जर वाले तो बहुत ही कम है। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है मार्जिनल, देखो ये इसलिए बहुत जरूरी होता है जब आप पॉलिसियां फ्रेम करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो स्टेट है या हमारा जो देश है उसके अंदर किस टाइप के फार्मर्स हैं। आप पता लगा पॉलिसी बना दी आपने लार्ज फार्मर के हिसाब से, और जबकि आपके देश के अंदर या स्टेट के अंदर जो मार्जिनल फार्मर्स है, तो ये मिसमैच हो जाएगा फिर वो डेटा। तो इसलिए आपको कुछ पता हो, मतलब देखो हिमाचल प्रदेश के बारे में आपको जानकारी हो, ऐसा नहीं कि आप एग्जाम दे रहे हो तभी ये आपको याद रखना है, आपको पता होना चाहिए अपने स्टेट के बारे में कि भाई हमारे स्टेट के बारे में फार्मर जो होते हैं उनकी क्या कंडीशंस है। एग्रीकल्चर के बारे में अगर कोई बात करे तो मुद्दा रखने के लिए तो आपके पास कुछ होना चाहिए कि भाई देखो इतने परसेंट हमारे यहाँ पर जो है लैंड हेक्टेयर है, जो कि इतने परसेंट हमारे पास जो मार्जिनल फार्मर्स है, स्मॉल फार्मर्स है और मीडियम फार्मर्स है, इतने परसेंट हमको किस पर पॉलिसी बनानी चाहिए। तो ये मुद्दे होते हैं चीजों को
बताने के लिए कि भैया देखो हमारे पास इतने फार्मर्स है और इतने परसेंट हमारी जो नेट सोन एरिया है इसको बढ़ाने की जरूरत होती है। और जिनको ये फंडामेंटल क्लियर नहीं होते ना, वो एग्जाम में भी कंफ्यूज ही रहते हैं कि भाई क्या मतलब क्या चल रहा है ये, तो फिर वो मतलब अनाप शनाप ही ऑप्शन लगाते हैं। तो ये बहुत जरूरी होता है कि भाई आपके जो फंडामेंटल्स हैं क्लियर होने चाहिए। तो ऐसा नहीं कि आपको इकोनॉमिक सर्वे पूरा पढ़ना है कि साहब पूरा पढ़ के जाना है उसको तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। मैंने बहुत सारा पिछले साल पढ़ाया था, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट, इवन मैंने कुछ नहीं भी पढ़ाया था तो उसमें से भी क्वेश्चन पूछ लिए उसने, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते इकोनॉमिक सर्वे को। ये बात कर रहा हूँ हिमाचल प्रदेश टीसीएस के एग्जाम के बारे में। तो अब यहाँ पर आपको सेंसस और पढ़ना है, सेंसस से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं ये लेक्चर यहीं समाप्त करता हूँ और मिलते हैं हम नई करंट अफेयर।